अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो जी आज दिन है मंडे का और वक्त हुआ है अभी 10:45 होने जा रहे हैं सुबह के। तो भी गाइस ब्लॉग की कर दिए स्टार्टिंग। आज ये तो नहीं पता कि ब्लॉग किस तरीके का बनेगा, क्योंकि आज मुझे पूरा दिन आज बाहर काम है। अभी मैं निकल रहा हूँ घर से, फिलहाल तैयार हूँ, नाश्ता वगैरह सफारी हो गया हूँ। तो भी बने रही है हमारे साथ ब्लॉग की, तो हमने स्टार्टिंग कर दी है यहाँ से। अभी फिलहाल निकलते हैं यहाँ से दरियागंज के बाद एक जगह और जाना है, फिर उसके बाद एक जगह और जाना है। मतलब आज 3-4 काम है जो मतलब आज फाइनल करने हैं। तो गाइस शाम के बज चुके हैं 4:30 बजे निकला था मैं घर से। अभी बजाते हैं बेल। धूप दोबारा से, धूप बहुत तेज़ हो गई गाइस। हाँ जी भाई साहब ट्यूशन नहीं क्या पढ़ते? अच्छा ट्यूशन नहीं सिखा रहा अभी तक, बढ़िया है। बेटा गेट बंद करो। तो ये पहुँच गए अपने घर पे। जल्दी जाओ, हाँ एक सीन लेना है। अबे मेरी रानी बच्ची आ गई अपने डैडी के पास, मेरा इंतजार कर रही थी आप। हैं भाई मुझे याद कर रही थी आपको, इधर तो आओ। तो गाइस 4 बज चुके हैं यहाँ पे और जोहान साहब पानी लिया है मेरे लिए, हानिया के साथ जाके। हानिया पानी लाइयो मेरे लिए है भाई, हाँ जल्दी से पी लो। तो गाइस यहाँ पे हानिया मेरे पास आने के लिए भाग रही है मेरे साथ साथ। मतलब बच्चा, सबको हेलो कर दो, हेलो माम कर दो सबको, सुबह का शाम का माम, ये कौन सा माम है। तो भाई गाइस यहाँ पे तैयारी चल रही है, मगर खाना नहीं पता क्या चल रहा है। क्या पका रही हो फातिमा? मतलब भगवान तो खाली पड़े तुम्हारे घर के। वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह खैर। भगोना ये भी खाली है, ये भी बर्तन खाली है। क्या कर रही हो फातिमा? देना भूख लग रही है यार। आपके साथ नाश्ता कर रखा है मैंने, सच में। तो नाश्ता करे क्या था? पापे खाए थे कौन सा? हमने कुछ खाया था सुबह नाश्ते में गाइस? एक पापा मैंने खाया था, एक पापा फातिमा ने खाया था। तो गाइस यहाँ पे गलती फातिमा की नहीं है। देखिए रात के चावल जो थे ना, ये इतने सारे बच गए थे। तो फातिमा ने सोचा था कि इसके अंदर थोड़ा सा है ना, क्या क्या डालनी थी फातिमा? पनीर, हाँ फ्राइड राइस बनानी थी फातिमा इसके। मगर गाइस ये है ना ख़राब हो गए सारे, क्योंकि फातिमा ने बहुत सारे मतलब कपड़े धोए, तो फातिमा लगी हुई थी कपड़े धोने में, और इन मतलब इनको गर्म नहीं करा। गर्म कर था सुबह? अच्छा चलो खैर हमारे नसीब में नहीं थे। मगर अभी क्या बना रही हो फिलहाल ये बताओ? फ्राइड राइस ही बना रही हो? मुझे गाइस इतने पसंद है, कभी भी आप लोग यहाँ पे मेहमानदारी में अगर मैं आऊँ ना, तो मेरे सामने ये ज़रूर रखना भाई, चाय कच्चे रख देना, पहले से पहले पक्का कर लेता हूँ भाई सबको। फातिमा थोड़ी सी खीर दे दो, कुछ तो पेट में जाएगा भाई। मतलब पेट बिल्कुल खाली हो चुका है, अथड़ियाँ बची हैं अंदर, वो भी खन 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 कर रही है अंदर से, आवाज़ आ रही है। हानिया आप इधर आ जाओ बेटा, काम करने दो, आ जाओ। तो भाई यहाँ पर हमारे लिए खीर निकल रही है बर्तन में, बर्तन में नहीं थोड़ी सी कटोरी में। फातिमा पानी क्यों हो गया इसके अंदर? पानी छोड़ दे, फिर पानी इसमें से गिर गया ऊपर फ्रीजर में से, ऐसा तो नहीं हुआ? अच्छा ढकी रखी हुई है, तो थोड़ी जवान को दे दो, थोड़ी मुझे दे दो। तो ये रात की बची हुई खीर है, बड़ी जायकेदार हो रही थी, बड़ी बेहतरीन एकदम। मिला ले रही हूं ना? हाँ मिला लो इसको। गर्म करें नहीं करें? नहीं ठंडी खाएंगे, खीर तो ठंडी अच्छी लगती है भाई, खीर गर्म अच्छी लगती है। बस ज़्यादा मत देना, फिर वो चावल नहीं खाने जाने के बाद बहुत है, बस इतने में तो मैं 2 दिन का निपटारा हो गया ये। तो चल देंगे गाइस अभी खाते हैं इसको अपने कमरे में बैठ के। तो गाइस देखिए बच्चे कितने नखरे दिखा दिए, खीर निखा रही, खा लो खा लो, थोड़ी सी खा लो, एक चम्मच बच, बस एक स्पून, एक छोटा सा छोटा सा, एक खा लो मेरी तरफ से खा लो मेरी रानी। नहीं खाना भाई, मतलब ये इतनी मूंडी बच्ची है, जब इसका दिल करता ना जब ही मीठा पसंद करती है। थोड़ी सी खा लो बस, एक जरा सी भाई, इतनी सी मेरी जान मेरी रानी, खा लो यार। अच्छा चख लो, खाली खाली चख लो, बस खाली चख लो भाई। यार हानी आप तो नखरे दिखा रही हो भाई, हैं भाई थोड़ी सी भी नहीं खाओगी डेडी गैस से? तो गाइस ये मतलब बच्ची जो है ना मीठा वो खाती है जो इसे पसंद हो, खीर पसंद है, मगर अभी मूड नहीं है इसे खाने का। कहाँ जा रही हो? मेरे ऊपर चढ़कर आ रही है ये बच्ची। तो जल्दी से एक चम्मच खा के दिखा दो सबको, है ना, जल्दी से मेरी गुड़िया। मेरा बच्चा मान ली डैडी की बात, अच्छी लगी? थोड़ी सी और, थोड़ी सी और लो, अच्छी लगी ना आपको? ले लो जल्दी से ये गुड़िया, ये तो डैडी के साथ खाती है भाई बैठ के, है ना भाई, डैडी के साथ खाती हो ना आप? ये लो जल्दी से ले लो, एक और ले लो, एक और ले लो। आह हाँ ये तो रानी है भाई, लो अब आपके मुंह पे से ना यहाँ से साफ करके मैं खाऊंगा ये। बहुत बढ़िया भाई, इसका तो जाएगा और बढ़िया भाई, इसका तो और जाएगा बढ़िया। खा लो आप, है ना। तो भाई गाइस हमारे यहाँ पे फ्राइड राइस जो हैं वो तैयार हो चुके हैं, थोड़े थोड़े से अभी दम आ रहा है, इनको ढक देते हैं।
फातिमा इनका दम कितनी देर तक आएगा? अपना दम निकलने से पहले इनमें दम आ जाएगा नहीं, ये बताओ। है आ जाएगा ना दम? हाँ। तो भाई गाइस यहाँ पे खाना लगने जा रहा है हमारा दोपहर का, और देखिए हानिया दोनों भाइयों के बीच में बैठ गए खाना खाने के लिए। इस बच्चे को है ना सब पता है माशाल्लाह से, जब दस्तरखान लग चुका है तो अब यहाँ पे खाना लगने वाला है। और गाइस ये बनाई है फातिमा ने, मतलब पता नहीं क्या बनाया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिलहाल तो ये लग रहा है भगोने में तो खुर्चे हुए चावल नहीं होते, ये जैसे भगोने में खुरच देते हैं चावलों को। तो भाई जल्दबाजी का तो खाना गाइस ऐसे ही मिलेगा, मतलब कैमरा भी उसे ना मतलब पकड़ नहीं रहा, जैसे मैं पास कर रहा हूँ ब्लर हो रहा है। तो गाइस आज हम दोपहर में खुरचन खा रहे हैं बैठे हुए, कोई बात नहीं, कभी खुरचन नहीं लग रही है यार, मेहनत से क्या मतलब चावल उगा के बनाई है इनको, देखते तो खुरचन नहीं लग रही है ये। नहीं गाइस खाने को खैर ऐसा नहीं कहते, मगर टेस्ट में बढ़िया हो रही होगी। वही बच्चों के गुस्सा आ रहा है भाई, वही दोनों भाइयों को मार रही है भाई। नहीं 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 रैया रैया थोड़ा चाट मसाला लाओ बेटा, इसे खुरचन को कुछ ना कुछ तो बढ़िया करके खाना ही पड़ेगा। तो गाइस आप लोग मुझे ईमानदारी से बताइएगा कि आप लोगों को ये देखने में कैसे लग रहे हैं। तो गाइस मैंने ये सोचा कि क्यों ना चाट मसाला डाल के इनके ऊपर खाया जाए, वैसे तो खैर जायके में ये सही नहीं हो रहा है, मगर मैंने थोड़ा चाट मसाला डाला ना उसके बाद मतलब ये और बेकार लगने लगे फातिमा। अब बताओ मैं क्या करूँ यार इनका, मतलब भूख लग रही तो खाए गए थोड़े से है। क्या हुआ ये भी बच गए, बहुत बढ़िया भाई। अब क्या करोगी इनका, ये तो मतलब किसको? चौकीदार को। हमने तो बाद में खा भी ली, चौकीदार पुलिस आ जाएगा लेकिन थोड़ी देर में शाम तक यहाँ पे, पर हमने तो यूँ खा लिया। चलो भाई लागत लगी हुई हमारी, ये तो ऐसी आइटम में मत भेजो चौकीदार को। मतलब एक प्लेट के खा ली, थोड़े से खाए यार, मतलब इतना जाएगा कि नहीं हो रहे जैसे होने चाहिए थे। असल में कल पुलाव खाइए ना यार, जब आप नहीं था उस पुलाव का, वो भी कबाब के साथ। तो भाई चौकीदार को मत भेजना बाद में, हाँ मतलब चोरों को रास्ता दिखा देगा हमारे घर का, वो झुकेगा वहाँ चले जाओ उनके चावल खत्म करके आओ पहले जाओ। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं जो चावल बच गए उनको करा जा रहा है पैक और भेजा जा रहा है नीचे चौकीदार के पास। मगर खैर गाइस मैं खैर मजाक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है जायके के हो रहे हैं, वो तो खैर एक मजाक था, हमने मजाक करा, मगर चटपटे हो रहे हैं फातिमा। बल्कि मैं तो फातिमा से बोल रहा था कि फातिमा ने रख दो रात को, बल्कि रैयान ने भी बोला, रैयान बोला ना आपने भी कि मम्मा हम खा लेंगे रात के लिए रख दो, मगर फातिमा को ये डर हुआ कि नहीं कहीं ये ख़राब ना हो जाए, क्योंकि देखो फातिमा दिखाना काफ़ी सारे बच गए फिर भी। अभी देखिए मतलब हो गए इनमें चार में हुए पाँच में हुए, चलो मतलब चौकीदार को भेज दो, वरना फिर बाहर रिक्शे वाले खड़ो थे ना, रिक्शे वालों को दिया ना नहीं। वो बात सही है, वो बात सही है तुम्हारी रैया, नहीं तो रिक्शे वाले खड़े होंगे बाहर, उनको दिया हो। हानिया आपने मेरी लिपस्टिक ले रखी है ना, हाँ गंदी बात, लिपस्टिक लगाओगी आप? कैसे लगाते हैं लिपस्टिक बताओ जल्दी से, बता दो सबको लिपस्टिक कहाँ पे लगाते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आप सोच रहे होंगे आज हमारा व्लॉग क्यों नहीं आया, तो ये आज सुबह से गए हुए थे बैंक, कल का भी सारा दिन इनका बैंक में ही निकल गया और आज का भी, कुछ गड़बड़ हो गई थी बैंक के उसमें, मतलब खैर यही बताएंगे आप लोगों को पूरी बात के क्या हो गया था, अभी ये बैठेंगे तो जब बताएंगे। कहती है मम्मा मुझे भी लो गोद में, हाय करो सबको जल्दी से, हाय कर दो, हाय कैसे हैं आप, माम कर दो माम, फ्लाइंग किस भी दे दो सबको जल्दी से। तो गाइस परसों मैंने खाना बनाया था पुलाव और कबाब और खीर, तो आप लोगों ने उस पर बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करे कि खाना बहुत अच्छा बनाया है और बहुत जल्दी से बना लेती हैं, ये मैसेज पढ़ के बहुत अच्छा लगा, बहुत दिल खुश हुआ मेरा कि आप लोग इतना प्यार देते हैं हमें, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। तो हमारा मुजफ्फरनगर जाने का भी हो रहा था, तो आज तो खैर आज ही फिनिश हुआ है इनका काम बैंक का, तो इंशाल्लाह या तो कल जाएंगे हम या परसों जाएंगे। तो गाइस हम मुजफ्फरनगर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इन्हें भी कुछ काम है और हानिया की आनी हानिया को याद कर रही है, इसलिए जाएंगे हम मुजफ्फरनगर, और नहीं अकेले ही जाते। तो भाई गाइस यहाँ पे हमारी फातिमा जो है बिल्कुल कल्लू चाट वाली की लड़की होती जा रही है, मतलब बर्गर भी बनाना सीख गए भाई ये औलाद, औलाद मतलब कारी नासिर की औलाद। तो इनके वालिद साहब का जो नाम है वो कारी नासिर हैं, और मेरे ससुर साहब भी इनको रखवाते हैं ओवन के अंदर, लो प्लेट आनी गिरा होगी अब इनको है ना, बहुत बढ़िया। तो ये फातिमा तुम सीख गई आहिस्ता आहिस्ता, मतलब दिल्ली आके सारे काम, माँ कहाँ गाँव में बनते होंगे ये बर्गर वर्गर, हाँ मतलब माँ गाँव में थोड़ी बनते होंगे फातिमा ये बर्गर है ना, वहाँ तो अगर किसी को दिखा दे चुके या क्या पता नहीं क्या, फातिमा अगर ये वहाँ किसी को दिखा दें क्योंकि पता नहीं क्या उपले से लेकर आया है, उपले नहीं कहेंगे इसको, उन्हें तो पता भी नहीं होगा ये बर्गर है, बर्गर किंग सफेद उपले, और कहीं कहेंगे ये पता नहीं कौन सी गाय ने उपले करे, कौन सी भैंस नई नस्ल की आई है, जो कहेंगे अमेरिकन भैंस आई है कोई, वाइट वाइट उपले कर रही है।
तो भाई गाइस यहाँ पे मतलब यार पूरी लागत लगा रही है फातिमा इसके अंदर। क्या बनना चाह रही हो तुम? मैं कल्लू चाट वाले की बहन। कल्लू चाट वाले की लड़की। तो भाई गाइस अगर किसी को बर्गर खाने हैं तो मतलब बाजार से मंगा के खा लीजिए, 20 रुपए का एक मिलता है। 10 रुपए है, 10 रुपए 50 रुपए चिकन का, चिकन का तो 50 का है। हाँ एक फिर क्या उसमें चीजें भी होंगी। तो गाइस यहाँ पे जा रहा है माइक्रोवेव के अंदर से हमारा बर्गर निकलने, और ये सारा तो मेल्ट हो गया। फातिमा देखना जरा, चीज मेल्ट हुई है ना, ऐसा लग रहा है तो जुकाम हो गया सारा बह गया। ये तो देखना, ये तो बटर है, बटर है ये तो। देखने में तो गाइस बड़ा प्यारा प्यारा सोना सोना लग रहा है ये। चलो अभी खाते हैं इसकी। और फातिमा जी इसकी कटिंग करो, ऐसे नहीं खाया जाने का ये। और इसे बीच में मोमबत्ती लगाओ एक, देखो हानिया ना गिरा ले अपने ऊपर। हानिया नहीं मेरी रानी नहीं, अभी रुक जा भी थोड़ी देर में देंगे आपको खाने को। जो कहते थे अथर कटर में इतना चिढ़ता था यार, और बहुत चिढ़ता था मैं भाई। जब भी स्कूल की बातें याद आ जाती है ना तो यार रूसी फना हो जाती है। तो भाई पिज्जा की जगह कटने जा रहा है यहाँ पे बर्गर हमारे यहाँ। नहीं कट पाएगा ये, नहीं कट पाएगा भाई ये तो। अरे वो लाओ, आ रही नहीं है दादा। हार्ड हो गया क्या? छुरी से काटो ना, फातिमा छुरी से काट दो। हार्ड नहीं हुआ, छुरी से काट दो। ऐसे तो पिट जाएगी फातिमा दुकान, ऐसी नहीं चलने की, कस्टमर चला भी जाएगा इतनी देर में। तो भाई यहाँ पर हमारे बर्गर की कटिंग हो चुकी है अभी, और करते हैं इसको टेस्ट। फातिमा तुम्हें खा के देखो पहले, तुम खा के देख लो, जो कुछ होना होगा तुम्हें हो जाएगा यार, तुम खा के देखो पहले। नहीं मतलब जैसे मान लो खुजली उजली अगर हो गई इसे खा के, खुजली की होगी पहले, और थोड़ी डाला मतलब मुझे डर सा लग रहा है इसे खाते हुए, पहली बार बनाया ना। अभी ये ठंडा हो जाएगा, खाओ ना अंदर लेके जाओ बेटा, आप दोनों खाओ, आप दोनों खाओ, लिया और यहाँ अंदर। तो भाई बच्चों ने तो खा लिया गाइस, और ये हस्बैंड और वाइफ का आ चुका है यहाँ पे लवली लवली बर्गर, लवली लवली जो आके फैल चुका है रायते की तरह। फातिमा क्या बनाया तुमने? ये बर्गर बनाया, रायता बनाया, बिल्कुल फैल गया ये तो। चीज फैल गई, चीज फैल गई, गर्म हो रहा है ध्यान से, कैसे हो रहा है? ये तो खुले जा रहा है, खुल जा सिमसिम की तरह साइडों में से, इसे साइडों में से एल्फी डाल के चिपका लेती पहले। अभी देखो इधर से निकला जा रहा है सारा सामान, मैं सेट कर दूंगी सारा साजो सामान, तो इधर से निकला जा रहा है इसको। आप देर कर रहे हो ना खाने में, एक ही बाइट में पूरा खा जाऊं। हाँ। तो भाई गाइस करते हैं शुरुआत इसकी। नो गॉड प्लीज नो नो नो। नाइस। तो जी गाइस शाम के बज रहे हैं 7:30, और हम दोनों मियां बीवी पीने बैठे हैं यहाँ पे चाय। बहुत फैंसी कपे हैं, मतलब बेहतरीन एकदम ये इंडिया के लगता भाई, कप इतने बेहतरीन है गाइस, मतलब आपने आज से पहले ऐसे कप नहीं देखा, कहीं भी पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेंगे आपको ऐसे कप। तो ये मैं कहाँ से लाई? मतलब ये तो बाहर के ना, बाहरी कंट्री के, तो सिलमपुर के हैं। तो भाई गाइस अभी मतलब कहना मकसद ये है, हम लोग यूँ बैठे हैं आप लोगों के सामने कि आप लोग सोच रहे होंगे मंगल को इनका ब्लॉग कहाँ रह गया। फ्राइडे वाले दिन से थोड़ा सा बैंक के अंदर कुछ उथल पुथल चल रहा था मामला, अकाउंट मेरा बंद कर दिया था, एटीएम कार्ड मेरा बंद कर दिया था, बहुत पंगेबाजी चल रही थी। मतलब आपकी गलती से नहीं हुआ बंद? हाँ मेरी गलती से, इन्होंने कुछ मेरी गलती से बंद नहीं हुआ गाइस। मतलब मेरी तो इतनी मोटी पेमेंट रखी हुई थी उस अकाउंट के अंदर, 147 रुपये मैंने जमा करवा रखे थे, और मतलब ये सोच के जमा कराए थे कि मतलब अल्लाह ना करे पूरा टाइम आए तो वक्त पे काम आएंगे ये पैसे। तो भाई उन लोगों ने मेरा अकाउंट बंद कर दिया, तो उसी की उथल पुथल में फ्राइडे सैटरडे मंडे आज ट्यूसडे, मतलब ये 3-4 दिन उसी में ही लग गए। मगर लगा शुक्र है कि अब बिल्कुल सब कुछ सेट है, एटीएम आ चुका है, अकाउंट चालू हो चुका है, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो चुका है। तो भी आपके सामने बैठ चुके हैं, अपनी रानी का मेला बच्चा मेला पप्पू कर रहा है, तब पाला बच्चा आया, प्यार करना है मुझे ये। तो भाई गाइस इसी वजह से हमारा 2-3 दिन से मुजफ्फरनगर जाने का प्रोग्राम टल रहा था, मगर इंशाल्लाह अब इरादे में नाम लिखवा लिया है हमने, और जब इरादे में नाम लिखवा लेते हैं तो इंशाल्लाह कल परसों मतलब जुमे से पहले पहले इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है निकलने की। फ्राइडे को नहीं जाएंगे क्योंकि फिर थोड़ा सा नमाज का मामला थोड़ा सा ऐसे ही हो जाता है। तो भाई फातिमा ने खिलाया आज बर्गर बना के, मजा आ गया बर्गर खा के। फातिमा मतलब हाँ बिल्कुल कल्लू हलवाई की लड़की लग रही थी तुम, तो मुझे बर्गर बनाती हुई। कौन है वो कल्लू हलवाई? गाइस आप लोग बताना, नहीं हमारी तरफ जा रहा था बल्लू हलवाई, तो है कल्लू हलवाई नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ तुम्हारी एक दुकान खुलवाऊँ, उसका नाम कल्लू हलवाई रखूँ, तुम आवे बर्गर और वड़ा पाओ चाउमीन बनाया करो। हाँ सैंडविच, और मतलब हाँ, और मैं ना मतलब इतनी लंबी लंबी मूछें रख लूँ, और एक है ना वो वाली टोपी लगा और पेट और निकाल लेता हूँ, इतना बड़ा भार वाली लंबी टोपी लगा के हलवाई की दुकान खोलते हैं दोनों मिल गए, है ना। तो भाई गाइस अगर आप लोग हमारी बात से सहमत है तो हमें बताइएगा। वो हलवाई की थोड़ी होती है फिर, वो तो मतलब शाम के स्नैक्स वगैरह हो गए, वो तो कोई स्नैक मतलब सांप। हाँ सांप वगैरह भेजोगे तुम शाम को। तो भाई गाइस बंद करते हैं इस वीडियो को यहीं पर ही, इस उम्मीद से कर देंगे बंद अभी।
या कुछ और कहना? तो गाइस थोड़ी सी बन पाई है वीडियो बस, क्योंकि टाइम बहुत कम था। हाँ गाइस टाइम कम था, जिम्मेदारियां ज्यादा थी भाई। किसी दिन अगर हमारा व्लॉग ना आया करे ना, तो आप लोग समझ जाया करिएगा, मतलब कहीं ना कहीं हम बिजी है किसी चीज में। मतलब हमें ना बहुत चाहते हैं कि आपको व्लॉग दें, डेली व्लॉग दें, और मेरी कोशिश तो ये रहती है कि दिन में दो दो व्लॉग सुबह को और एक शाम को। मगर गाइस 10 मिनट का सुबह का डाला। तो गाइस अभी बीच में कट हो गया, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर हैं तो वो दाल लेने के लिए गए हैं, दाल मखनी, जो उस दिन हम मतलब लेने गए थे ना कई दिन पहले। तो अभी उनका बीच में फ़ोन आ गया कि भाई वो दुकान कहाँ पर है, हमें दुकान बता दो। तो उनको अभी एड्रेस समझाया है। तो भाई मतलब वो मिलने वाले सब्सक्राइबर हैं यहीं के, यहाँ आस पास के एरिए के हमारे भाई हैं, अपने भाई बंधु हैं। तो भाई हाँ क्या कह रहे थे हम, तो अपनी बात ही भूल गए यार, कहते कहते। हाँ गाइस अगर हाँ बोल दो। तो हम ये कह रहे थे कि ब्लॉग हमारा थोड़ा सा ही बन पाया है, और हम तो ये चाहते हैं कि ब्लॉग रोज डाले, ना टूटे बीच में ही, लेकिन ऐसा हो जाता है कि इनको काम आ जाता है तो वो बीच में टूट जाता है, क्योंकि इनके ही मोबाइल से बनता है। हाँ जाना पड़ जाता है, मोबाइल लेके जाना भी जरूरी। हाँ मोबाइल देखिए बेचारी, मतलब बड़ी परेशानी वाली जिंदगी है गाइस। बस क्या करें, गुल्लक भी उस दिन फोड़ी, पैसे निकले नहीं कि दूसरा मोबाइल लिया है। मगर इंशाल्लाह कोशिश में लगे हुए हैं कि एक ना एक मोबाइल और खरीदें, लगे हुए। आप लोग भी घरों पे बैठ के जाना मास पे दुआ करिए हमारे लिए कि हम एक मोबाइल और ले लें, तो फिर इंशाल्लाह थोड़ी सी आसानी हो जाएगी उससे। मोबाइल तो है फातिमा का, मगर वो थोड़ा आपको पता चीकू वाला है, वो तो चीकू का मोबाइल है, तो उससे वीडियो एकदम ही हाई क्वालिटी की बनेगी गाइस। उसमें ना वीडियो की क्लियरिटी जो है ना, मतलब बहुत हाई लेवल की आती है, वो आपको इतनी हाई लेवल आएगी कि आपको दिखाई नहीं देगी। तो इस वजह से उससे हम वीडियो बनाते नहीं है कुछ नहीं नजर। हाँ तो भाई मतलब उसका कैमरा जो है बहुत ब्लर मारता है। अभी लगे हुए कोशिश में, इंशाल्लाह ऐसा तो नहीं है, कभी ना कभी तो पैसों का इंतजाम होगा। मेरे पास ओप्पो का था, आपका जो था वो हानिया ने तोड़ दिया। हाँ गाइस वो हानिया ने तोड़ दिया, ओप्पो का था। कितने का था वो? 15,000 का। मगर उसका कैमरा, मतलब कैमरा अच्छा था, 800 मेगापिक्सल कैमरा था उसका, और इतनी क्लियरिटी, बड़ा अच्छा मोबाइल था ना, जो उनको बता रही हो पोका मोबाइल था। आपने पहले वीडियो सी से नहीं, वीडियो खराब आती है, ब्लर वो पिक्सल फटे फटे जाते हैं उसके। तो गाइस आप लोग दुआ करना कि मैं 50,000 का मोबाइल, अभी फौरन जान नमाज बिछा लो घरों के अंदर, हर घर में जान नमाज बिछ जाए, और दुआ करें कि भाई मतलब इनके पास मोबाइल आ जाए, तो व्लॉग में हमारे इंशाल्लाह बढ़ोतरी हो जाएगी। तो गाइस ये तो फिर यार एक मजाक था यार, चलता रहता है इन वाइफ के साथ। तो ठीक है गाइस अभी बंद करते हैं इस वीडियो को यहीं पर ही, इस उम्मीद से कि शायद आपको ये छोटा सा व्लॉग ही अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट्स कर दीजिएगा, और चैनल को भैया सब्सक्राइब करा लो। मतलब यार परेशानी देखो फातिमा क्या है। अच्छा मैं यार अभी नहीं बन कर रही वीडियो को, आज आपसे बिल्कुल बात करेंगे रूबरू बैठ के, अब आ जाओ। मतलब कहने का मकसद गाइस ये है कि जब यूट्यूब पे चैनल होता है ना, तो सब्सक्राइबर एक मतलब सब्सक्राइबर तो ऐसा है कि मतलब आप है ना कहीं को भी निकलोगे, कहीं को भी जाओगे, भाई मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, भाई मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, अपने मिलने वालों में, जुलने वालों में, बिना मिलने वालों में भी उनको भी बोलने वाले कौन होते हैं, जुलने वाले भी होते हैं, मिलने वाले होते हैं, जुलने वाले होते हैं, मिलने वालों के गले लगाया जाता है, जुलने वालों साथ जला जाता है। तो इस तो मतलब कहना मकसद ये है कि भाई सब्सक्राइबर तो आप जैसे तैसे करके बढ़ा लोगे, मगर मेन जो है ना, मेन इसके अंदर यूट्यूब पे काम है वॉच टाइम का। वॉच टाइम आप नहीं बढ़वा सकते किसी से कह के, क्योंकि अगर उसको वीडियो पसंद आएगी वो जब भी देखेगा आपकी वीडियो। और वॉच टाइम गाइस क्या होता है वो भी बता दूँ मैं आपको। अगर हमने 10 मिनट की वीडियो बनाई और अगर आपने 5 मिनट की देख ली, तो आपके 5 मिनट है ना हमारे लिए काउंट हो गए। दूसरे ने 8 मिनट देख ली, उसके 8 मिनट काउंट हो गए। किसी ने 10 मिनट देखी, किसी ने 2 मिनट देखी, तो ऐसे ऐसे करके मिनट जो है वो काउंट होते हैं, और ऐसे बन के होता है 4,000 घंटे का वॉच टाइम पूरा। ये पूरा करना बहुत भारी है, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम 4,000 से भी ऊपर निकल चुके हैं वॉच टाइम हमारा। हाँ पूरा हो चुका है बहुत, मतलब उससे भी हम ऊपर निकल चुके हैं। तो मगर हमारे सब्सक्राइबर जो है ना, मेरी कोशिश ये रहती है कि यार मतलब मेरी ना वीडियो देख के सब्सक्राइबर बढ़े। मैं चाहूँ कल तक परसों तक इंशाल्लाह 1,000 की तो नहीं कहता, मगर 800 कर दूंगा अपने जान पहचान वालों के पास। अगर मैं चला जाऊँगा भाई मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, वो चीज़ मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मतलब खुशी से करें यार, खुशी से सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो प्लीज़ फिर से रिक्वेस्ट है कि यार बहुत टाइम हमने इतनी जल्दी कंप्लीट कर लिया, दुनिया के सब्सक्राइबर पहले हो जाते हैं, वॉच टाइम उनका नहीं हो पाता। और मतलब हम ही एक शायद अनोखे हैं जो हमारा वॉच टाइम हो गया और हमारे सब्सक्राइबर आधार नहीं हो रहे यार, कमाल। तो ये देखो तो अभी 611 ही हुआ। हाँ 611 है, वो 12 होते हैं, वो पता नहीं जैसे एक 12वां आता है वो 11वां वापसी हो जाता है। तो एक बढ़ रहा है, एक घट रहा है, एक बढ़ रहा है, एक घट रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। मतलब कोई नया आ रहा है, पुराना पता नहीं क्यों जा रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा। जबकि हम पूरी जान डाल रहे हैं वीडियो के अंदर गाइस। मतलब यार कभी कभार के लिए एक आध दिन कभी ऊपर नीचे हो जाता है ना, तो यार उसके लिए मतलब दिल से माफ़ी चाहते हैं आप लोगों से। हमारी खुद कोशिश रहती है कि हम आपको व्लॉग है ना डेली दें, और इंशाल्लाह ऐसा वक्त आएगा कि मतलब सुधार होगा आहिस्ता आहिस्ता करके। अभी पहले से यहाँ तक सुधार हुआ है,
तो इंशाल्लाह आगे भी होगा। तो भाई गाइस बोर मत होइएगा, बंद करते हैं इस वीडियो को यहीं पर ही, इस उम्मीद से कि शायद आपको वीडियो अच्छी लगी। और अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, करवाते रहिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़। प्रैक्टिस चलिए ठीक है, चल अल्लाह हाफिज़।